मारूफ अदाकारा कुबरा खान ने अदाकार गौहर रशीद से शादी की खबरों को अफवाहें करार देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार मद्दा होंगे। ताहम उन्होंने वाजह किया कि उन्हें ऐसी खबरों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में उन्होंने मलीहा रहमान को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने गौहर रशीद से ताल्लुकात और अल्लाह से करीबी ताल्लुक के अलावा मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू की। कुबरा खान ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ये आप लोगों की वजह से होगा। आप लोगों ने इतना दबाव डाला है, ऐसी खबरें 8 साल से चल रही हैं। अब मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजबान ने जब उनसे पूछा कि आपको कभी प्यार हुआ है, तो अदाकारा ने मजाहिया अंदाज में कहा कि नहीं, आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। क्या पता मैं सोशल मीडिया पर अचानक कोई सरप्राइज दे दूँ, शायद मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कुबरा खान ने हंसते हुए कहा कि जितनी मैं अपनी जिंदगी निजी रखती हूँ, लोग समझ रहे हैं कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदाकारा ने कहा कि मैंने अपना मकबूल ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे को कई बार मना किया, लेकिन मेरी किस्मत में ये प्रोजेक्ट लिखा था। अदाकारा के मुताबिक वो हकीकी जिंदगी में बहुत रूहानी हैं। वो अपने मजहबी पहलू को निजी रखना पसंद करती हैं और कभी भी अपनी नमाज या उम्र के सफर या एहतिकाफ को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर नहीं करती हैं। मलीहा रहमान से बात करते हुए कुबरा खान ने कहा कि वो 3 बार एहतिकाफ में बैठ चुकी हैं। लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री में आकर लोग मजहब से दूर हो जाते हैं। जब वो उम्र पर गईं और वापस आईं तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मुबारकबाद के पैगाम भेजे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।